छतरपुर पुलिस ने नकली खाद बनाने वालों पर छापामार कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने 300 बोरी खाद जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस को खुली, बंद और खाली हुई खाद की बोरी मिली है। मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार चंद्रपुर गांव में सिविल लाइन थाना पुलिस ने खाद पर छापामार कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने 300 बोरी से अधिक नकली खाद की बोरियां जब्त की हैं। वहीं पुलिस को जांच के दौरान कुछ खाद खुली हुई और खाली बोरियां भी मिली हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से ब्लैक में खाद लाकर डीएपी की बोरियों में पैक करके बेचते थे। 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार संदीप तिवारी और कृषि विभाग के उप संचालक के वैद्य भी मौके पर पहुंचे। अभी मुझको सूचना मिली थी कि एक जगह खाद बनाया जा रहा है नकली। इसकी मुखबिर सूचना पर से आज अभी हम यहाँ उपस्थित हुए थे अपनी टीम के साथ, तो जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों का लगातार निर्देश प्राप्त हुए थे कि कहीं भी अगर इस तरह से खाद के संबंध में कोई सूचना मिले तो इसमें त्वरित कार्रवाई करनी है। इस पर से हम अभी पहुँच के यहाँ पर देखा है और कृषि अधिकारी को सूचना दी है, वो भी मौके पे आ रहे हैं। उसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो बोरी खुली भी मिली हैं? कुछ बोरी खुली हैं, कुछ बोरी पैक हैं, कुछ वाइट बोरियां हैं, कुछ ग्रीन बोरियां हैं। कि ये कैसे कैसे क्या हो रहा था, बाकी कुछ आधी खुली बोरियां हैं, तो ऐसा संदेह हो रहा है कि यहाँ या तो मिक्स करते हों या चेंज करते हों। जो कृषि अधिकारी आएंगे वो प्रदर्श की जाँच करेंगे, उस जाँच के बाद वैधानिक